हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बनाने वाले हैं फ्रॉग, और फ्रॉग हम बनाएंगे क्रेयन से। और चलिए हम फ्रॉग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रॉग का जो फेस है वो बनाएंगे। फ्रॉग का फेस कुछ इस तरह से बनाना है कि वो थोड़ा सा हार्ट शेप की तरह दिखे, और हमने इस तरह से फ्रॉग का फेस बना लिया है। और फ्रॉग का जो आईज है वो बनाते हैं, तो एक राउंड सा सर्कल मैंने लिया है लेफ्ट और राइट आई के लिए। तो ये हमारा लेफ्ट आई भी बन गया एक राउंड सा सर्कल की तरह। और यहाँ से हम इस तरह से इसके अंदर का फिल कर लेंगे ब्लैक कलर में, और हल्का सा बस वाइट छोड़ देंगे। और इसी तरह से हम राइट आई में भी कर लेंगे, इसी तरह से हम फिल कर लेंगे, पहले हल्का हल्का फिल करेंगे और फिर हम बीच में हल्का सा वाइट कलर छोड़ देंगे। इसके बाद हम जो फ्रॉक का है वो थोड़ा सा ये जो उसका माउथ है वो माउथ को ऊपर थोड़ा सा हम सर्कल करें, पहले क्रिएट कर लेंगे ताकि फ्रॉक थोड़ा क्यूट लगे देखने में। इसके बाद हम फ्रॉक का माउथ ड्रॉ कर लेंगे, एक बड़ा सा डी बनाएंगे और अंदर में एक हल्का सा सी बना देंगे। तो इस तरह से हमने फ्रॉक का जो फेस है वो बना लिया पूरा। अब फ्रॉक का बॉडी बनाएंगे। हम फ्रॉक का बॉडी कुछ इस तरह से बना रहे हैं कि फ्रॉक बैठा हुआ है, और फ्रॉक का हमने पहले लेग और हैंड दोनों बना लेंगे। तो इस तरह से हम मैंने फ्रॉक का जो लेग है और उसका जो हैंड का जो फिंगर है वो भी मैंने यहीं पे बना दिया, ताकि फ्रॉक लगे कि हाँ वो बैठा हुआ है। इसके बाद हम यहाँ से फ्रॉक का जो लेफ्ट हैंड है और लेफ्ट लेग का जो फिंगर से वो बना लिए, और इस तरह से हमने फ्रॉक का लेग को इस तरह से बॉडी से कनेक्ट कर दिए। अब फ्रॉक का जो पेट का हिस्सा है उसे भी बना लेंगे, और फ्रॉक का हमने पेट भी बना लिया। अब फ्रॉक का जो हाथ है उसे हम इस तरह से लाइन डालेंगे और वो दूसरा लाइन भी कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से फ्रॉक का हैंड भी बन गया। अब जो लेफ्ट हैंड है वो भी बना लेंगे, और ये हमारा फ्रॉक बन गया। तो फिर कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, अगर हाँ तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टाटा।